गौरव गाथा में आपका स्वागत है। कल भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के नाम से जनमानस में लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। मेरी याद में जब से मैं पैदा हुआ और जब से मैंने देखा, दो नाम ऐसे, एक चाचा नेहरू का नाम आम जनमानस में, मतलब ये था, ये सब जगह था और ये सब जगह ठीक से लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। और दूसरा, जब शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का नारा, ये दो नारे मेरे ख्याल, मतलब ये दो नारे नहीं, दूसरा नारा और पहला नाम मेरी याद में इतना किसी राजनीतिक नेता का कभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। तो और चाचा नेहरू को जैसे आज की तारीख में तो बहुत से लोग एक मालूम नहीं, उनका जो भी एजेंडा हो उनको डिमीन करने की या गाली देने का काम करते हैं, लेकिन चाचा नेहरू सही में इस देश के आम बच्चों के लिए, जो कम से कम हमारे उम्र के, हमारी जनरेशन के लिए के थे, उनके लिए वो चाचा नेहरू ही थे। नेहरू जी के विषय में बाकी सारी बातें लिखी हुई हैं, दो तीन बातों को फिर से मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली कि बड़े विजनरी थे, कांग्रेस के 5-5, 6-6 बार प्रेसिडेंट रहे थे, आजादी से पहले की मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने किताबें लिखी और वो किताबें, मतलब आप अगर कुछ भी उठा के देखिए किसी भी किताब को, तो वो बेस्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स हैं। नेहरू का जो जो ये जितने राजनेता बंद रहे उसमें टोटल जो उन्होंने समय जेल में बिताया, वो 3529 दिन वो जेल में रहे, करीब करीब 10 वर्ष। 9 बार वो, मतलब 9 बार उन्होंने जेल का टर्म पूरा किया, हालांकि गिरफ्तार तो और बार भी हुए होंगे, लेकिन जैसे सांकेतिक गिरफ्तारी हुई, लेकिन 10 साल के लगभग वो जेल के अंदर रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता भी जेल में गए, जिनकी बहनें जेल में गईं, जिनकी पत्नी जेल में गईं, जिनकी बेटी जेल में गईं, मतलब लोग आज उसको उस विरासत की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन नेहरू जब ये काम कर रहे थे, पंडित नेहरू, तो शायद उन्होंने कभी इस विरासत को बनाने की नहीं सोची थी। अगर विरासत को बनाने की सोची होती तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, ये उनके साथ भी गए होते, लेकिन नेहरू ने जब गांधी के साथ अपना, गांधी को अपना पूरा सहयोग दिया, तो फिर पूरा सहयोग दिया। वो एक अकेले आदमी थे जो स्वतंत्रता के अंत तक, गांधी से बहुत लोग नाखुश खुश होते रहे, उसमें हमारे बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिन जो हमारे बहुत अजीज हैं, लेकिन नेहरू ने गांधी का एक वो था कि नेहरू ने गांधी का साथ, फिर जब एक और साथ पकड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ा। दूसरा नेहरू का एक चीज बार बार आती है, जो ये कहा जाता है कि भाई नेहरू 47 से 62 के बीच में रहे और 62 की हार हम लोग चाइना से बहुत बुरी तरह से हारे, तो उसका एक एक पक्ष और भी समझ लीजिए। 47 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस थे कि देश को मजबूत बनाना है कि देश की सेना को मजबूत बनाना है, और शायद नेहरू ने ये कैलकुलेटेड रिस्क कह लीजिए या नेहरू की एक बड़ी दृष्टि थी कि उनको लगा कि देश की फाउंडेशन अगर स्ट्रांग बन जाएगी तो आने वाले समय में हम उस फाउंडेशन पे एक 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 दूसरे बड़े राष्ट्र के ऊपर की बिल्डिंग बना चुके होंगे, नीचे की नींव का निर्माण। तो देश में 47 से 62 के बीच जो नींव पड़ी उसमें आप BHEL, BEML, HAL, SAIL, HMT, मतलब DLW, आप कोई भी नाम लीजिए, जितना औद्योगिक विकास के, मतलब पब्लिक सेक्टर मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाया, उतना मेरी नजर में दुनिया के किसी भी देश में जो नया स्वतंत्र हुआ इस तरह से नहीं हुआ था। लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में जरूर किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया और उसकी एक सुंदर नींव बनाई, वो अद्वितीय था। और जब देश आजाद हुआ तो आपकी जो ज्यादा कल्टिवेटेबल भूमि थी वो पंजाब से चली, से कट के वेस्टर्न पंजाब में वो पाकिस्तान के साथ चली गई थी। तो उस हरित क्रांति, उस दूध क्रांति, मतलब आज की तारीख में बहुत लोग उस कई कई मेमोयर का वो देते हैं, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं पंडित नेहरू की एक बड़ी दृष्टि थी। ये जरूर है कि IIT IIM जरूर मौलाना आजाद एज एजुकेशन मिनिस्टर किए, लेकिन आज आप समझ सकते हैं, आज आप
किसी भी प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर लीजिए, अगर प्राइम मिनिस्टर की वो दृष्टि नहीं होगी तो ये सब चीजें नहीं होंगी। आईआईटी आईएम यहां तक नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके बाद कोई दूसरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस देश में नहीं हुआ, मतलब नहीं बना। इसरो बार, मतलब कहां कहां उनकी दृष्टि नहीं थी। जो मेरी समझ में दिक्कत हुई वो 1962 में जो चाइना ने आक्रमण कर दिया, उस समय ये सही बात है कि 47 से 62 तक हिंदुस्तान में जो रक्षा बजट था, मतलब रक्षा मंत्रालय या रक्षा था, वो लो प्रायोरिटी था, उस पर पैसा नहीं खर्च हो रहा था और हम लोग इल प्रिपेयर्ड थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों ने 62 में चीन से मुंह की खाई थी। लेकिन अगर वही आप एक दूसरे ढंग से सोचिए, अगर जो 47 से 62 तक हो रहा था, उस समय अगर उस फंड को, उस पैसे को अगर हम इन निर्माण की जगह पब्लिक सेक्टर्स को और देश को निर्माण करने की जगह अगर रक्षा की तरफ डाइवर्ट कर दिए होते, तो शायद रक्षा तो मजबूत हो सकती थी लेकिन देश की नींव जरूर कमजोर होती। नेहरू का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन और था, वो एक स्वप्न दृष्टा थे, वो एक बड़े विश्व को देखने की बात करते थे। उन्होंने पंचशील, मतलब आज 62 में चीन ने अपनी मतलब एक तरह से पीठ में छुरा भोगने वाला काम करके उसने वो किया था, पंचशील उन्होंने 1954 में चाइना के साथ साइन किया था। मतलब जो पंचशील था वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात थी, 54 में साइन कर लिया था। 62 की लड़ाई का एक कारण थोड़ा तिब्बत के दलाई लामा को हम लोगों, मतलब हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शरण देना, वो एक कारण था। लेकिन वो एक वो है कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट जो रिलीजियस लीडर हो, वो अगर आपसे शरण मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे, ये भी एक डिबेट है। नेहरू ने के नेतृत्व में और ये पंचशील को आगे बढ़ाते हुए, नेहरू वॉज दी मतलब प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। नैम का 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो पहला नैम का वो हुआ, वो नेहरू की बदौलत था। उसमें जो विश्व के उस समय 5 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो ईस्टर्न ब्लॉक, मतलब रशिया द्वारा लेड ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक जो यूएस का था, इनकी कोल्ड वॉर से बाहर निकल के ये कह रहे थे कि ना हम लोग इनके साथ अलाइन है ना इनके साथ अलाइन है, वो 5 विश्व के बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर अब्दुल नासिर, घाना के प्रेसिडेंट नुकलम और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो, ये 5 लोगों ने नैम मूवमेंट की शुरुआत उस समय की थी। और ये कैपिटलिस्ट वॉज, इनका ये कहना था नैम वालों का कि हम ना कैपिटलिस्ट के साथ हैं ना हम कॉम्युनिस्ट के साथ हैं। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर नैम का और बता दूं, जो नैम के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, तो पहले सेक्रेटरी जनरल तो टीटो थे। 83 में हिंदुस्तान जब सेक्रेटरी जनरल बना तो उस समय नीलम संजीवा रेड्डी, और उसके बाद 83 से 86 तक यानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे, ये उसके सेक्रेटरी जनरल रहे। ये जस्ट जानकारी के लिए आपको मैंने बताया। एक बात आजकल और चल रही है जिसपे थोड़ा सी चर्चा कर लेना ठीक है। आजकल एक कहीं कहीं चर्चा में और मुख्य रूप से उसका जो मेन स्रोत है वो व्हाट्सएप है। एक बार बार ये हो रहा है कि सरदार पटेल के घर वालों को नेहरू ने बहुत शैबली ट्रीट किया, और मणि बहन आई थी उनकी लड़की और उनको नहीं कुछ किया और उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपकी जानकारी जरा ठीक कर दूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई एक सरदार पटेल ने अपनी बेटी से कहा था कि जब उनकी मृत्यु के बाद जो कांग्रेस पार्टी का पैसा है वो ले जाके नेहरू जी को दें। वो शायद कहीं कहीं किसी ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि वो 37 लाख रुपए थे जो ले आके उन्होंने नेहरू को सौंपे। साथ में वो बही खाता भी सौंपा जिसमें वो लिस्ट थी कि ये किसके किसके नाम से हैं या जो भी उसका हिसाब था, और उसको इन लोग नाटकीय ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि उन्होंने जब पैसा दिया उसके बाद नेहरू के सामने वो बैठी रही और नेहरू चुपचाप रहे, नेहरू ने उनसे बात नहीं की। मैं कुछ फैक्ट्स को आपको बता दूं। सरदार पटेल की जो बेटी मणिबेन पटेल थी, जो बड़ी बेटी थी, वो 52 से 57 तक हिंदुस्तान के पहले जनरल इलेक्शन में, अच्छा सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो चुकी थी, तो ये सरदार पटेल के इन्फ्लुएंस से नहीं, अपने दम पे
1952 से 57, खेड़ा साउथ गुजरात से वो एमपी हुई कांग्रेस के टिकट पे, 57 से 62 सेकंड बाय इलेक्शन में, सेकंड बाय सेकंड जनरल इलेक्शन में भी वो आनंद से कांग्रेस के टिकट पे फिर विजयी हुई। 62 के इलेक्शन में वो आनंद से फिर खड़ी हुई कांग्रेस के टिकट पे और उनको कुमार नरेंद्र सिंह रंजीत सिंह ने हराया, वो वहां करीब 22,000 वोट से आनंद से सीट हार गई थी। 62 के बाद 64 में उनको फिर कांग्रेस के टिकट पे राज्यसभा भेजा गया और वो वहां 64 से 73 तक रही। फिर वो 77 में जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा में गई। तो कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं कि जो उनकी लड़की जो 4-5 बार मतलब एमपी रही और शुरू में तो वो कांग्रेस के ही 3 टर्म उनके कांग्रेस के डायरेक्ट टर्म थे, तो उनके बारे में ये कहना कि नेहरू ने उनको उनके उनको उनकी देखभाल नहीं की, ये थोड़ा अनुचित है। क्योंकि नेहरू जब सरदार पटेल रहे नहीं थे 52 में, फिर 67, फिर 57 में, फिर 64 में, अगर इनको लोकसभा का मेंबर बनाने के उम्मीदवार बनाते हैं तो इसमें बिना नेहरू की हामी के नहीं हो सकता था। दूसरी बात कही जाती है इनके दूसरे बेटे सरदार पटेल के, दहियाभाई पटेल जो हैं, दहियाभाई पटेल जो थे ये मूल रूप से, इन्होंने बाद में इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन ये भी सरदार पटेल की 1950 में मृत्यु होने के बाद बॉम्बे के मेयर 1954 में चुने गए थे और बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि जब महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ 60 में तो एक महागुजरात जन परिषद बनी और वो चूंकि आंदोलन था कि भाई ये गुजरात अलग हो, उस आंदोलन के साथ ये भी जुटे हुए थे। 58 से 73 तक दयाभाई पटेल 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे थे, मतलब पहले 58 से 64, फिर 64 से 70, फिर 70 से 76, लेकिन 73 में ही मृत्यु हो जाने के कारण ये अपना राज्यसभा का टर्म पूरा नहीं कर सके, तो 3 बार ये भी एमपी रहे थे, उससे पहले बॉम्बे के मेयर रहे थे। तो ये कहना कि इनके सरदार पटेल के बच्चों का कोई नहीं देखने वाला था, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स करता है वो एमपी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो बड़ी जगह होती है, उसके आगे और कुछ नहीं सोचा जा सकता है। जैसे जो नौकरी करता है उसके लिए आईएएस बनना जो सबसे बड़ी बात होती है, जो इंजीनियर होता है उसके लिए चीफ इंजीनियर बनना सबसे बड़ी बात होती है, उसी तरह से जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसके लिए एमपी बहुत बड़ा पद होता है। हालांकि भाई पटेल ने अपनी पत्नी को भी कई, भानुमति जी को 2 बार इलेक्शन लड़वाया लेकिन दोनों बार वो इलेक्शन हार गई थी। और इनके साले जो पाशा भाई पटेल थे वो पहले इलेक्शन हारे, बाद में वो भी राज्यसभा में, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। तो ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है जब ये कहा जाता है कि नेहरू ने पटेल के लोगों को कोई नहीं दिया, सब लोग पॉलिटिकली इस्टेब्लिश लोग थे और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ देश में नहीं कि उनको नहीं दिया गया। नेहरू को फिर एक बार हम लोग याद करते हुए और खास करके नेहरू के उस चाचा नेहरू के पक्ष को, जो 14 नवंबर को हर वर्ष इस देश में बाल दिवस के रूप में बड़े स्तर पर मनाया जाता है, इधर उस बाल दिवस की थोड़ा रोशनी खूबसूरती में कहीं कमी जरूर आई है, क्योंकि पहले ये बहुत लार्ज स्केल पे हर एक स्कूल में मनाया जाता था, लेकिन नए निज़ाम को ऐसा लगता है कि शायद बाल दिवस अगर बड़े स्केल पर मनाया जाएगा तो उसमें नेहरू की याद कुछ ज़्यादा होने लगेगी, तो शायद इसीलिए इसको कर्टेल किया गया है। लेकिन जो एक हमारी जनरेशन के लोग हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सदैव चाचा नेहरू और नव भारत के निर्माणकर्ता के रूप में याद रखेंगे। धन्यवाद।